सरपंच प्याज का न जाने क्या करके छोड़ेगा, हर दिन गिरता प्याज का दाम किसान को और कितना तोड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, ग्रीन टीवी के आज के इस वीडियो में बात इसी मुद्दे पर करते हैं। वैसे बात भी क्या करनी, प्याज की फितरत से तो आप सभी वाकिफ होंगे ही, कभी खरीदार को रुलाती है तो कभी बेचने वाले को। हाँ, अभी इसे उगाने का खामियाजा भर रहा है किसान। महीनों की मेहनत के बाद खेत की प्याज मंडी पहुंचकर अगर 40-50 पैसे की एक किलो बिके तो गुस्सा तो आएगा ही, और कोई भी मजलूम अपने साथ हो रहे अन्याय की गुहार भी उसी दरबार में लगाएगा जहाँ के राजशाहों के न्याय के कुस्से उसने सुने होंगे। बात कुछ के गले शायद ना उतरे, क्योंकि हकीकत थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन भाई किसान की इनकम को डबल करने का ये कौन सा तरीका है, समझ के थोड़ा परे है। एक तरफ धनाधन नीतियां बनती हैं, थोक के भाव वादे होते हैं, सियासी बिगुल फूंक कर किसान हितैषी होने के जयघोष किए जाते हैं, किसान को अन्नदाता भगवान की संज्ञा दी जाती है, और दूसरी तरफ उसकी दुर्दशा पर ऐसी नज़रअंदाजगी। कौन नेता, कौन सी राजनीतिक पार्टी ये नहीं जानती कि इन दिनों प्याज किसान के जो बाजार में मिट्टी पलीत हो रही है, वो कितनी दुर्गति उसके उत्पाद की वहाँ हो रही है। और किसान जो भी मनी ऑर्डर राजनेताओं के नाम पर कर रहे हैं, वो विरोध दर्ज कराने का उनका एक तरीका है। उस पर ऐसे जवाब कि भाई मनी ऑर्डर नहीं चलेगा, पैसे भेजने हैं तो RTGS करिए वरना ऑनलाइन ट्रांसफ़र करिए, सुनकर लगा ना थोड़ा अजीब, मुझे भी लगा था जब ये शब्द मैंने पढ़े थे। दरअसल पिछले दिनों महाराष्ट्र के नासिक के एक किसान संजय साठे ने अपना 750 क्विंटल प्याज 1.40 रुपये प्रति किलो के भाव से बाज़ार में बेचा, और ये मजाकिया कीमत मिलने के बाद वो इतने आहत हुए कि उन्होंने 1,064 रुपये का मनी ऑर्डर कर दिया PMO के आपदा राहत कोष के नाम। और ये मनी ऑर्डर करने के लिए उन्हें 54 रुपये अलग से लगाने पड़े, वो अलग। लेकिन अब हद देखिए, किसान का मनी ऑर्डर इस जवाब के साथ PMO से वापस भेजा गया कि भैया PMO में मनी ऑर्डर स्वीकार नहीं किए जाते, भेजना है तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करिए या RTGS करिए। ये अच्छे तेवर हैं दुखियों की व्यथा को सुनने के। क्या किसी भी सरकारी अधिकारी को किसान के इस मनी ऑर्डर में छिपा वो दर्द नहीं दिखा? महाराष्ट्र में भी प्याज किसान ने विरोध दर्ज कराने के लिए गुस्से में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 6 रुपये का मनी ऑर्डर अभी हाल ही में किया है। श्रेयस अभाले नाम के इस किसान ने अपना 2,657 किलो प्याज 1 रुपये के भाव से बेचा है। पूरी फसल बेचकर कुल कीमत मिली 2,916 रुपये। फसल पर लगी खेतीहर लागत तो छोड़िए, किसान ने सिर्फ वो गिनती निकाली जो फसल को से बाजार तक पहुंचाने में लगी, जिस पर लागत लगी उसकी 2,910 रुपये। 2,916 रुपये की बिक्री में से 2,910 रुपये का खर्च निकाल कर उसे 6 रुपये का मुनाफा हुआ। हताश किसान ने ये 6 रुपये मनी ऑर्डर कर दिए मुख्यमंत्री जी के नाम पर। नासिक के ही एक और किसान चंद्रकांत भीवन देशमुख ने भी विरोध दर्ज कराने के लिए यही तरीका चुना और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम 216 रुपये का मनी ऑर्डर किया। इस किसान ने कृषि उत्पाद बाजार समिति की नीलामी में अपनी 545 किलो प्याज 51 पैसे प्रति किलो के भाव से बेची, कुल कीमत मिली 277 रुपये 95 पैसे। APMC के कुल शुल्क को काटने के बाद किसान के हाथ में आए 216 रुपये और किसान ने ये कमाई भेज दी मुख्यमंत्री जी के नाम, दोगुनी आय का मनी ऑर्डर। दोस्तों, देश भर में जितना प्याज उत्पादन होता है उसका आधा प्याज अकेले नासिक में उत्पादित होता है। इस बार प्याज की पैदावार वहाँ अच्छी हुई है, इसलिए मंडी में माल की आवक भी अच्छी है। बस इसी का फायदा उठा रहे हैं बिचौलिए और आढ़ती किसान की कमर को तोड़ने के लिए। माल ज्यादा है तो दाम लुढ़का दो, ऐसे में सरकार की अनदेखी वाकई किसान को किलसाती है। लेकिन जरूरत है शांति और समझदारी से काम लेने की। किसान अपनी फसल को औने पौने दाम पर बेचने की बजाय क्षेत्रवार अपने समूह बनाएं और सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ें। साथ ही माल की मात्रा को जोड़कर रिलायंस, ईजी डे, नेफेड जैसी कंपनियों से सीधे संपर्क साधें। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ईनेम, इसके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और सुझाव लें। ईनेम के जरिए अपने माल को ऑनलाइन सेल करें। एपीडा जैसी संस्थाओं का सहयोग लेकर उत्पाद को विदेश व्यापार की वो सोच सकते हैं। गुजारिश है आपसे कि अपने कृषि उत्पादों को वो मंडी में यूं नीलाम बिल्कुल ना करें। महीनों की मेहनत से जिसे आपने सींचा है उसे ताव में आकर कौड़ियों के भाव क्यों बेचना? कहाँ की समझदारी है ये? आपकी हताशा आप ही को कमजोर करेगी, इसलिए उठिए और अपने लिए खुद फिक्रमंद हो जाइए। बिचौलिए के जंजाल को काटिए,
अपनी फसल की बिक्री के लिए खुद ये भूमिका अदा करिए। लेकिन इन तमाम बातों पर अमल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है संगठित होना। यकीन मानिए दोस्तों, संगठन में वो बल है कि आपका आज ही नहीं कल भी सबल और समृद्ध हो जाएगा। जागरूकता और समझदारी के बल पर देश का किसान यकीनन दोगुनी आय ज़रूर बटोर पाएगा। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी आपसे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।